अभी रितेश ऑनलाइन है, आप सवाल पूछिए। कौन पूछ रहे रितेश को सवाल? सीधी सी बात है कि शादी सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, शादी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि वीडियो भी दिखा रहे हैं, आप लोग फेरे ले रहे हैं, मंत्र इतने दूर से सुनने में नहीं आएगा। हाँ अभी पूछो। हाँ पूछो रितेश। देखिए आदिल ने कल एक वीडियो दिखाया सबके सामने। हाँ, उस वीडियो में आदिल ने दिखाया है कि आप और राखी फेरे ले रहे हैं और मंत्र चल रहे हैं, उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिखाया जो कोर्ट का है। कोर्ट का नहीं, आर्य समाज मंदिर का है। पहला ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ठीक है, उसने जो वीडियो दिखाया है ये लिखा है, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया, ये कोर्ट के पास क्यों नहीं गया, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, फॉर श्योर वो मीडिया में आके स्पैम क्रिएट कर रहा है, मीडिया में आके जो ये कर रहा है, ये पहले भी मैंने बताया था कि हमारा लाइक हम लोगों का एक ब्राइडल सूट था जो सीन रिक्रिएशन था, उसी टाइम मैं और राखी मिले थे, तो ये सारी चीजें थी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने ये में कि लाइक ऐसा। उसके बाद हम बिग बॉस हाउस में गए थे और बिग बॉस हाउस के पहले, तो ये सारी चीजें उसको पता थी और उसने बहुत स्मार्टली इसको यूज किया, उसने बहुत स्मार्टली वो सारी चीजों को जान कि वो इंटेंशनली राखी के जब जिंदगी में आया था तो उसने इंटेंशनली प्री प्लान करके कि अपने को फेमस करने के लिए यहाँ आया था, और उसने इंटेंशनली ये सारी चीजों का फायदा उठाया। वो पहले से ही सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किसको मैं कैसे ट्विक करूंगा। अभी मैं आपको इसकी सारी चीजें मैं देख रहा था, मैं आपको अपनी बातें कह दे रहा हूँ, बिकॉज आई विल गो फॉर अनदर मीटिंग एंड समथिंग, बट इसने बहुत सारी प्रूफ दी है कि मैं राखी लाइक मैं और राखी यूके में मिले थे, ये मिले थे। मैं लोगों को प्रूफ देता नहीं हूँ क्योंकि मैं कहीं भी, मुझे मीडिया और ये में बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब कोई भी बंदा उठ के आके मुझे भी कुछ भी बोलने लगेगा, मैं अपना टाइम तो दे नहीं सका हूँ। बट फॉर श्योर टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, क्योंकि राखी ऑफकोर्स राखी लॉयल थी उसके प्रति, बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं ओपन हार्टेड कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं आज राखी के सपोर्ट में हूँ, इट्स नॉट बिकॉज कि मैं राखी से मेरा कोई ये रिलेशन है, शी इज अ फ्रेंड और शी इज लॉयल, शी इज स्पीकिंग ट्रूथ, ओके। इसीलिए मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूँ, देखो ये मेरा पासपोर्ट है, ठीक है, इसमें स्टैंपिंग है आपको किस डेट में मैं उस टाइम ग्रीस में था, ठीक है, वो ग्रीस में था, एंड उसमें उसी बीच में आप देखो कि मेरी एंट्री हुई है, आई गेस 16 को मेरी एंट्री हुई है, ठीक है, ग्रीस में, एंड देन 21 को मैं रोमानिया के लिए ट्रेवल किया हूँ, 25 को रोमानिया से वापस आया हूँ, एंड देन ऑन 7th नवंबर मैं वहां से फ्लाई किया हूँ इंडिया के लिए, ठीक है, क्या हुआ यार, 7 नवंबर को मैं फ्लाई किया हूँ, ये एग्जिट वहां का है, ठीक है। कुछ लोग मैंने अपने ये सारी चीजें दिखाई थी, तो कुछ लोग ने कमेंट्स किया है दो पासपोर्ट क्यों, इसलिए कि भाई मेरा एक पासपोर्ट पहला डेट 10 ईयर से एक्सपायर हो गया, तो दूसरा एज पर लॉ राइट ये दूसरा पासपोर्ट है, ठीक है, तो इट डजंट मीन क्योंकि कुछ वीजा इसमें है, इसलिए दोनों पासपोर्ट एज पर लॉ वो लंदन नहीं गए। रितेश एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आदिल दुरानी ने कर आरोप लगाया कि आप और राखी एक साथ लंदन के एक होटल में थे और बाकायदा डिनर हुआ, उस होटल के कमरे में गए, तो कितने सच्चाई, क्या आप लंदन गए थे, क्या उस वक्त आप लंदन में थे? कि भाई आप लंदन, उसको पता नहीं है शायद ज्यादा वो दुनिया नहीं है, दुबई से आगे तो ट्रैवल किया नहीं होगा फॉर श्योर, कि भाई ये तो स्टैंपिंग इन करते हो ना, तो उसमें और होता है ईयू में इन कर रहे हो आउट कर रहे हो, उसका स्टैंपिंग इनकम में कस देश, ठीक है, नेटवर्क कम होगा, अभी ऑडियो लगाते हैं हम आपको, वीडियो बहुत हो रही है, राखी के आप लोगों का नेट सेट, ठीक है, हाँ बोलिए, सारी चीजें आपको भेज दूंगा,
बोलिए बोलिए, अभी नेट, अभी ठीक है नेटवर्क। ये सारी चीजें भेज दूंगा। एक चीज मुझे और, ये पहले आप लोग ये नोट कर लो कि कब मैं इन किया हूँ, कब आउट किया हूँ, और मेरी इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना तो लाइव रिकॉर्डिंग में। क्या हम होटल में मिले थे? क्या हम लंदन में मिले थे? क्या हम एक कमरे में गए थे? तो उसके लिए, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, उससे आप लोग मीडिया लोग आप पूछो, वो इतनी बड़ी बड़ी झूठ नहीं। उसका कहना है रितेश, उसका कहना है रितेश, जस्ट सेकंड, उसका ये कहना है वो जेम्स बॉन्ड 007 से आगे निकल गया, 008 हो गया। उसका कहना है कि वो होटल की लॉबी के उसके पास पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जो MI7 में दिखता है ना, वो सैटेलाइट कनेक्शन लेके उसने ले लिया, जैसे यूके गवर्नमेंट ने उसको गिफ्ट दे दिया, ले बेटा वीडियो फुटेज चाहिए ले जा। क्या वीडियो फुटेज है इससे बड़ा प्रूफ तो मैं नहीं दिखा सकता। ये देश का वीजा का एंट्री है, देश में इंटर होने का एंट्री है, ठीक है, पहला। दूसरी बात कि अगर वो प्रूफ कर दे, मैं इतने लोगों के सामने, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इतने लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ, अगर वो प्रूफ कर दे कि मैं होटल में राखी के साथ था, यूके में था, कभी राखी से मिला हूँ उस दौरान, तो मैं थूक के चाटूंगा यहाँ पे सबके सामने, सबके सामने, और जूते से अपने को मारूंगा सबके सामने। बट अगर ये प्रूफ नहीं कर पाया, ये प्रूफ नहीं कर पाया, तो मैं लीगल इस पर एक्शन। सब पूछिए, सब पूछिए, बहुत समय है, पूछो पूछिए। रितेश, सवाल ये है कि कल आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आपने, जब आदिल और राखी की शादी होने वाली होती है, उसके पहले आप आदिल को कॉल कर उन्हें समझाते हैं कि वो राखी से शादी ना करे, क्योंकि राखी ने आपके भी काफी सारे पैसे लूटे हैं। तो क्या आपने कॉल किया था, क्या आपने उन्हें वार्न किया था, ये बात सच है या नहीं? ये बातें सही है, मैंने उसको कॉल किया था, उसने कॉल किया था, एक्चुअली मैंने राखी को कॉल किया था और राखी से उसने कॉल पिक कर लिया था। वो बातें पूरी नहीं बताया, मैं राखी से बात कर रहा था, राखी बोल रही थी कि हाँ मेरा ये डिसीजन है, जो भी है हमारी बीच, हम जब हमारा फर्स्ट ये हुआ था कि हाँ राखी और मैं ब्रेकअप कर रहे हैं, तो जब राखी से मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो ये बंदा फोन लेके ये करने लगा, ये बंदा इतना स्मार्ट और नीच किस्म का इंसान है, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मेरा कोई इससे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, बट ही इज रियली नीच, उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। और आदिल खान दुरानी, अब तेरी लड़ाई रितेश राज सिंह से है, अब तेरी लड़ाई मैं बहुत सहा, तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है, मैं बहुत सहा, लेकिन आज तेरी सारी औकात में बता दूंगा, सारी औकात में बता दूंगा तू कौन है, क्या है। ये बंदा देखो, बहुत स्मार्टली इसने राखी को फंसाया पहला, उसके बाद इसने राखी को अलग किया। उस दिन भी ये देखो, राखी रो रही थी जब हमारा, राखी ने मुझे फाइनल डिसीजन दिया कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं, मैंने पूछा कि क्यों राखी, उसने बताया कि राखी ने बताया कि नहीं तुम मुझे ये प्यार नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला, जो भी राखी ने बोला। ये बंदा उसमें इतना स्मार्टली वो तुरंत फोन ले लिया, और ये जो आंसर टू योर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस बंदे ने फोन ले लिया और बोला कि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, हम लोग ये कर चुके हैं, और राखी आई वॉन्ट यू टू एडमिट दिस थिंग्स, आई डिड इट, मैंने बोला, रूम वाला बोला जो रूम में क्या हुआ था, मैंने बताया है। ठीक है, पहले ये ओके। सो उसके बाद राखी बोल रही थी कि ठीक है, लाइक चलो, मैंने बोला ठीक है, जहां भी रहो खुश रहो, आई मीन आई नो लाइक। तब ये बंदा लेके कहा कि हमने सब कुछ कर लिया है, हमने शादी कर लिया है, कोई नहीं, अब तुम उसको टॉर्चर करते थे, ये करते थे। मैं बोला कि ठीक है राखी, ईश्वर जानता है सब चीज, कौन टॉर्चर किसको करता था, एनीवे लाइक मैं इस पे नहीं जानना चाहता हूँ कि आप ठीक है। शॉर्टकट में बताओ, तुम्हारी मेरी शादी हुई या नहीं हुई, शॉर्टकट में बताओ। कभी भी आपकी शादी राखी के साथ, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन दैट। ओके ओके, सुन लो, ओके प्लीज। तो उसके बाद इसने सारी चीजें लाइक, और उसने बाद इसने पर्सनली ये बोला कि ये मेरी वाइफ है, हम लोग शादी कर चुके हैं, तुम बीच में मत आओ, तुमको तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ये बंदा इंटेंशनली बोला उस दिन, और धमकी भी दी कि तुम बोलो आता हूँ मैं बिहार, तुमसे बात करता हूँ, तुम कहाँ हो, ये सारी चीजें इसने बोली। रितेश, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू ब्रो, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक वर्ड कि अगर कल जरूरत पड़ती है कोर्ट में आके ये वर्ड बोलने की, तो क्या आप तैयार हो इंडिया आके कोर्ट में बोलने के लिए? मैं 100% अवेलेबल हूँ सच बोलने के लिए, मैं राखी के तरफ से, क्योंकि राखी लॉयल है। मैं आप लोगों, राखी की जो
चैट ये जो बता रहा है ना ये बंदा, तो आप लोगों को तो चैट दिखाया नहीं क्योंकि ये इसके पास तो चैट है नहीं, तो ये दिखाएगा क्या? बट इसने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया, ठीक है, तो मैं अब फॉर श्योर मैं लीगल एक्शन इस पर लूंगा क्योंकि इसने मेरे कैरेक्टर पर सार्वजनिक रूप से मुझे बोला है। और मैं अब राखी की चैट दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास कोई ये नहीं, मेरी चैट देखो, कोई मैनिपुलेटेड आंसर दे, जो हूँ ब्लंट हूँ मैं, अगर गलती किया मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। मैं आपको चैट दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट गाइस, एक मिनट बस, मुझे एक मिनट दे दो। लाइक राखी, मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए हैं। तब तक रितेश एक सवाल का जवाब दे दो जो सब सुनना चाहते हैं। क्या राखी के साथ तुमने शादी किया था कभी भी? राखी के साथ कभी भी शादी किया था? किसने? आपकी कभी भी राखी के, राखी से शादी, राखी सावंत से शादी हुई है आपकी? अरे भाई देखो, यहाँ पे सब चीज मैनिपुलेटेड ही आंसर है ना, तो इनका इसका सारा चीज जो है फेक के ही पे है, ठीक है। मैं इसको इसको प्रूफ देके क्या, मैं जो भी है मैंने पहले भी बताया है, मैं आज उसी के लिए केस भी लड़ रहा हूँ, मैं अपनी पहली वाइफ से केस भी लड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो चीज हुई नहीं थी, हम लोगों ने जो वो सीन क्रिएशन है उसका लोगों ने फायदा उठाया, मेरी पहली वाइफ ने भी उठाया, इसने भी उठाया, और ये सारे लोग मिले हुए। अब मैं बताता हूँ आपको, जो डेट्स मैं दिखा रहा था, आप देखो, आप लोगों को सारे चैट दिखा दे रहा हूँ। ये है राखी का चैट, ठीक है, पहला डेट दिखा दे रहा हूँ, ये 30 मार्च का है। मार्च उस टाइम राखी मेरा ब्रेकअप हो चुका था, और लाइक 14 फरवरी को हमारा ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, ये 30 मार्च का है। उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे, तो देखो राखी क्या लिखती है, हाय आई एम इन लंदन, ओके, देख लो यहाँ पे लिखा। उसके बाद मैं लिखा हूँ कि आई एम इन यूरोप, चेक माय इंस्टाग्राम, ठीक। उसके बाद लिखती है गुड, आई डोंट हैव योर आईडी, बिकॉज इसने आईडी ब्लॉक कर दी थी। उसके बाद मैंने अपनी अपनी ग्रीस की नंबर दी है राखी को कि लो ग्रीस का नंबर और मेरी आईडी है। मैंने उसको ये राखी आईडी सर्च की, उसको नहीं मिला, फिर मैंने अपनी आईडी शेयर की, ठीक है, और ये हमारी बात हुई। उसके बाद राखी ने बताया कि ये मुझे मारता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में बोला है, सुनिए कि ये मारता है पीटता है। मैंने उसके बाद भी यहाँ पे देखो, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है कि, अगर मैं ये सब चीज सुनाना नहीं चाहता हूँ, बट कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है जिसमें राखी, इसमें राखी बोली है जीजस से तो खुश रहो हमेशा, मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सो नहीं, मैं नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आदिल खान दुरानी ने, जो मेरे हस्बैंड है, एक मिनट रितेश, बहुत कट रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है। तो उसके बाद मेरा कोई भी बात राखी से नहीं हुआ है, कोई भी आप बात कर राखी से नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको सारे प्रूफ दिखा चुका हूँ, सारे प्रूफ मेरे पास है, मैं अभी लीगल एक्शन इस पर ले रहा हूँ, क्योंकि इस मीडिया, केवल मीडिया को यूज, वो माना हाने का दावा कर रहे हैं रितेश, वो जो तस्वीर और वो जो पूछो। अच्छा रितेश, दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। पहला कि जो फोटोज उसने कल दिखाया, वो फोटो क्या असली है? और दूसरा, क्या आप राखी को किसी भी तरह की माली मदद करते थे, यानी कि कोई भी तरह का पैसा राखी को देते थे आप लोग अलग होने के बाद? नहीं, मेरा ऐसे राखी, जैसे हम लोग अलग होने के बाद ना ही मेरा राखी से कोई कांटेक्ट रहा है, और ना मैं कभी रितेश को मिली हूँ। बहुत ही प्रोफेशनल, मैं ऑलरेडी, मेरा ब्रेकअप होने के बाद फॉर श्योर लाइक इंसान बहुत दुखी रहता है, तो मैं टोटली अपना फोकस कर रहा था अपने काम पे, और मैं राखी से कभी कांटेक्ट में नहीं रहा, बस कांटेक्ट वही हुआ। आप देखो, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस चैट दिखाया जो कि मार्च में है, उसके बाद सीधा जो नेक्स्ट चैट है वो राखी ने मुझे लाइक वो चैट किया है, वो समवेयर इन अक्टूबर और समथिंग, जब वो राखी ट्रैवल की थी, जब बताई कि मैं लंदन में हूँ,
ठीक है, और मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। और वो जो फोटोग्राफ कल उसने दिखाया, वो जो फोटोग्राफ कल उसने मीडिया के सामने रखा, वो क्या है? वीडियो भी। वो सारा सवालों का जवाब यहाँ ही कोर्ट में देना। चलिए ठीक है, अब ये सब आगे के सवाल जवाब अपने नितेश भाई कोर्ट के लिए रखते हैं। आई थिंक दे गॉट द आंसर, इनको मिल गया जो इनको चाहिए था।